हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश में ए और एन का यूज़, यानी कि ए और एन हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ए और एन के यूज़ के लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ए कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है और ए एन कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। हमें मालूम है कि अल्फ़ाबेट अंकल हैं, उनकी एक फैमिली है जिसमें 21 बच्चे अलग अलग घूमते हैं और 5 बच्चे अलग घूमते हैं। तो जो 21 बच्चे अलग अलग घूमते हैं, अंकल ने उनको अलग रहने दिया और जो 5 बच्चे हैं वो उनको एक साथ रखा। तो ये जो 21 बच्चे हैं, ये बी सी डी एफ जी जे एच एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू नहीं रहेगा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 बच्चे हैं। और ये 21 बच्चे जो हैं कॉन्सोनेंट के साथ घूमते हैं, है ना? कॉन्सोनेंट इनके साथ, या अंकल ने इनका नाम कॉन्सोनेंट रख दिया है। ये जो 21 बच्चे हैं, अंकल अल्फ़ाबेट ने इनका नाम कॉन्सोनेंट रख दिया है। और जो 5 बच्चे हैं ए ई आई ओ यू, अंकल ने उनका नाम वोवल रख दिया है। तो इस प्रकार से अंकल अल्फ़ाबेट के टोटल 26 बच्चे हैं। उन्होंने 5 बच्चों को ए ई आई ओ यू को वोवल के नाम से बुलाया और बाकी के जो बच्चे हैं 21 उनको कॉन्सोनेंट के नाम से बुलाया। जो वोवल हैं उसको हमेशा ए एन के साथ घूमना बहुत पसंद है। जो वोवल्स हैं वो सारे वोवल्स को ए एन के साथ घूमना बहुत पसंद है। इसीलिए आप देखिए, वो हमने काइट में 5 वोवल्स को एक साथ रखा है और ए एन को उसके साथ रखा है। मतलब जहाँ पर हम ए ई आई ओ यू से चालू होने वाली स्पेलिंग का उपयोग करेंगे, वहाँ पर उसके आगे ए एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वोवल्स के आगे आगे ए एन चलता है। ठीक है, वो एक सेफ्टी गार्ड के जैसा भी कह लो। कहानियों में अपन कहते हैं कि राजा के आगे आगे उसका सैनिक चलता है, वो सैनिक वोवल का ए एन है। उसी प्रकार से अगर आप कॉन्सोनेंट देखें तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट के आगे ए चलता है, है ना? कॉन्सोनेंट्स के आगे क्या चलता है? ए चलता है। तो इस वीडियो में हम आपके कॉमन वीडियो बना रहे हैं, जो कि क्लास 1 UKG और क्लास 2 UKG, क्लास 1 क्लास 2 तक के सभी बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा ले पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस तरह से ए और एन को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए प्लस कॉन्सोनेंट, मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट हैं सी एफ बी एच टी, इनके आगे ए रहेगा। और उसी प्रकार से जितने भी वोवल्स हैं उनके आगे एन रहेगा, ए ई आई ओ यू। तो आपके एक्सरसाइज देखने के लिए यहाँ पर हमने दिखाया है कि ए से यूज़ होने वाले अ बॉय, अ फॉक्स, अ बिन, अ हैट, अ पैन। सिमिलरली एन एंट, क्योंकि ए है, एन एलिफेंट, ई से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, एन इग्लू, आई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, एन ऑस्ट्रिच, ओ से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, एन एम्पायर, यू से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब आप बच्चे इसमें छांट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा गार्ड आगे आएगा, बॉल के साथ में
करेक्ट, बॉल के साथ में ए आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। कप के साथ में ए आएगा, लंप के साथ में ए आएगा, एग के साथ में ए एन आएगा क्योंकि ये वोवल है। आइसक्रीम ए एन आएगा, वेरी गुड। टैप ए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। बेड ए, एंट ए। तो जब हम इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ये आप घर पर स्वयं करके देखेंगे, अन एरोप्लेन, अ ग्लास, अ टैब, एन एम्बुलेंस, एन ऑक्स, अ रैट, एन आइसक्रीम, एन आई, अ ज़ेब्रा, अ मैट। ठीक है, तो ये ए एन का यूज़ है। तो अभी आपने ये देखा कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स थे। इन 26 अल्फ़ाबेट्स को हमने दो भागों में बांटा, जो कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट हैं और रिमेनिंग के जो 5 हैं वो वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट के साथ में ए वर्ड का यूज़ होता है और वोवल के साथ में ए एन वर्ड का यूज़ होता है। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था ए और एन का, जिसको कि हमने इस फिगर के हेल्प से आपके लिए बनाया था। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ए और एन का ये यूज़ समझ में आ गया होगा। देखिए, ए एन की काइट के साथ में ए ई आई ओ यू है और हर अल्फ़ाबेट जो कि कॉन्सोनेंट है उनके साथ में ए चल रहा है। तो जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो सारे अल्फ़ाबेट जो अलग बलून में हैं वो ए एन के साथ मिलेंगे, और जो काइट में हैं वो ए एन के साथ मिलेंगे, और बलून के साथ वाले अल्फ़ाबेट में ए मिलेगा। यानी कि हमको बलून वाले अल्फ़ाबेट के आगे ए का यूज़ करना है और काइट वाले अल्फ़ाबेट के आगे ए एन का यूज़ करना है। तो एक मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इसके एक्सरसाइज कुछ घर पर करके देखिए। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।